नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ले चलता हूँ मैं फिर से चंद्रपुर दर्शन। देखिए, हम लोग रायगढ़ में थे कृष्ण जन्माष्टमी में, तो रायगढ़ से निकल रहे हैं देखिए चंद्रपुर के लिए। तो रायगढ़ में जैसे ही निकले हम लोग चंद्रपुर गए। चंद्रपुर में पहुँच कर हम लोग नदिया है जो उसमें नहाई। देखिए बहुत मस्ती से नहा रहे हैं हम लोग चंद्रपुर नदी में। फुल मस्ती करते हुए नहाए, फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए चले गए। तो अंदर में गए थे, अंदर तरफ का ये नदी है। देखिए हम लोग का कपड़ा उपड़ा, फिर हम लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा होटल था, देखिए यहाँ पर बैठकर फिर हम लोग नाश्ता किए। फिर यहाँ पर हम लोग नारियल वगैरह खरीदे और माता रानी के दर्शन के लिए फिर निकल गए। कि चंद्रहासिनी देवी माँ का गेट बना हुआ है सुंदर ढंग से। यहाँ से हम लोग एंट्री किए, देखिए सुंदर कलाकृतियों से भरपूर यहाँ का गेट बना हुआ है, बहुत सुंदर, मन को मोह देने वाला। चंद्रपुर का बहुत सुंदर गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं दोस्तों। बहुत सारा देवियों का मूर्ति हम देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से कलाकृति से बना हुआ है। देखिए जैसे जैसे अंदर जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे छोटा छोटा बड़ा छोटा मूर्तियां बना हुआ है। देखिए कृष्ण राधा जी का मूर्ति बना हुआ है यहाँ पर। फिर सीढ़िया आगे बढ़ता हुआ, सीढ़िया से देखिए जैसे भी आगे बढ़े, फिर माँ दुर्गा का मूर्ति बना हुआ है। ऐसा बहुत सारा मूर्ति बना हुआ है दोस्तों ऊपर चढ़ते तक। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे। ये देखिए बॉक्स में अंदर में भी देवी माता जी हैं। फिर देखिए जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो हम लोग महादेव जी का मूर्ति बना है सती के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी जी का बना है पांच पांडवों के साथ। ये बाक्स के अंदर भी एक माता जी हैं। उसके बाद देखिए द्रौपदी वाला पांच पांडव वाला है पासा खेलते हुए, द्रौपदी का जी द्वारा चिरहरण हो रहा है। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं ऊपर, देखिए फिर गेट बना हुआ है सुंदर सा। देखिए दोस्तों ऊपर मंदिर को हम लोग चले गए हैं। मंदिर में फोटो खींचना मना है, उसी लिए मैं माता रानी जी के दर्शन नहीं करा पाया। साइड का देखिए सब कुछ रिकॉर्डिंग किया हूँ। छोटा छोटा देवियों बना हुआ है, देखिए ये पैसा चिपकता है बहुत श्रद्धा से चिपकाने से यहाँ पर। देखिए इस तरीके से पैसा भी चिपकता है चिपकाने से यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस तरीके से पैसा चिपक जाता है बहुत श्रद्धा से चिपकाने से। फिर यहाँ से हम लोग निकल कर फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ऊपर चढ़ने के लिए बना हुआ है।
यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है चंद्रपुर का, पुल का देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा पुल का। और यहाँ से नाथलदाई का भी मंदिर दिख जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर है यहाँ का नज़ारा। ये पौधे में कपड़ा वगैरह बांधे थे ओढ़नी। देखिए नाथालदाई जी का मंदिर भी दिख रहा है, वहां से नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरे फिर भूत बंगला है यहाँ पर, लेकिन अंदर हम लोग नहीं घुसे थे क्योंकि मैं कई बार चंद्रपुर आ चुका हूँ, देख चुका हूँ। ये हमारा वीर बजरंगबली का मूर्ति, बहुत बड़ा विशाल काय मूर्ति है। जो फोटो खींचोगे सामने से तो आता नहीं है, आधा से आता है। देखिए पैर ही दिख रहा है। देखिए बहुत बड़ा विशाल काय हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है। ये देखिए इस तरीका से। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा मूर्ति है वहां हनुमान जी का। फिर यहाँ के दर्शन के बाद हम लोग फिर यहाँ नीचे उतरे महादेव के दर्शन के लिए। देखिए सुंदर गेट बना हुआ है यहाँ पर। गेट से हम लोग नीचे उतर रहे हैं महादेव जी का दर्शन के लिए। जो भी वो भी बहुत बड़े विशाल काय महादेव जी हैं। देखिए यहाँ पर बैल दिख रहा है, बहुत बड़ा बैल बना हुआ है, बहुत बड़ा बाघ भी बना हुआ है। और महादेव पार्वती जी का अर्धनारीश्वर वाला मूर्ति बड़ा रोड बना है, बहुत बड़ा। देखिए उसका पैर बहुत ही बड़ा है, विशाल का अर्धनारीश्वर बोलना चाहिए। बहुत बड़ा महादेव पार्वती जी का मूर्ति बना हुआ है। देखिए सभी लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन फोटो में आधा ही आता है, दूर से खींचना पड़ेगा। और इसके चारों तरफ देवियों का मूर्ति बना हुआ है। फिर यहाँ के दर्शन के बाद हम लोग फिर नीचे उतर रहे हैं। नीचे साइड में फिर से उसी प्रकार मूर्तियां बना हुआ है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग ऊपर चढ़े थे तो साइड में बना हुआ था। देखिए ये रहा मूर्तियां। ये देखिए विष्णु जी और लक्ष्मी जी का संघ के साथ सीढ़ियां में सेल्फी लेते हुए हम लोग। देखिए फिर नीचे जाते हैं हम लोग, बहुत श्रद्धालु ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए हाथी को मगरमच्छ पकड़ा हुआ है और विष्णु जी द्वारा सुदर्शन से वध करते हुए। ये देखिए सागर मंथन हमारा महादेव जी द्वारा विष पीने वाला मूर्ति, ये है। देखिए राक्षस और दानव और देवताओं द्वारा सागर मंथन का मूर्ति बना हुआ है। ये महादेव जी का बाक्स के अंदर। फिर हम लोग नीचे उतर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं देखने के लिए। सभी लोग चढ़ रहे हैं और नीचे आ भी रहे हैं। हम लोग अब नीचे आ ही चुके हैं। देखिए दो बाघ बना हुआ है गेट पर, गेट के पास। देखिए किस तरीका से मस्ती वाला फोटो ले रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत ही डरावना फोटो कहना चाहिए, बहुत ही मजेदार।
अब नीचे हम लोग गेट द्वार पे फिर आ गए हैं जहाँ पर प्रवेश किए थे दोस्तों। देखिए इस तरीके से यहाँ पर पानी लगा हुआ है। ये गेट द्वार का फिर से हम लोग आ गए, लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मूर्तियों से भरपूर गेट बना हुआ है डिजाइनिंग के साथ। ये मुनि बाबा का फोटो जहाँ माथा टेक कर पूजा की जा रही है। फिर नीचे उतर आ गए हैं हम लोग, नीचे कुछ कुछ सामान वगैरह खरीदे फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे, मतलब नाथल दाई के दर्शन के लिए दोस्तों। देखिए माँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। फिर ये भगवान विष्णु जी का है और हमारा जगन्नाथ स्वामी जी का भी मंदिर बना हुआ है अंदर दोस्तों। देखिए हम लोग इस तरीके से बहुत ही उड़ीसा डिजाइन में बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है जगन्नाथ स्वामी का। देखिए ये सीढ़िया है, सीढ़िया से ऊपर चढ़ते हुए देखिए दो हाथियों का मूर्ति बना हुआ है गेट पे। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, बहुत ही देखिए किस डिजाइन से, बहुत ही अच्छी डिजाइन से काट कर ये मंदिर बनाया है। पत्थर का है मंदिर। देखिए दोस्तों अंदर भी मूर्तियां बना हुआ है। ये उसका गेट है, अंदर में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मूर्ति बना हुआ है, लेकिन अंदर फोटो खींचना मना था इसलिए बता नहीं पाए। जैसे ही आप मंदिर जाते हैं दोस्तों तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम लोग मंदिर का लोकेशन बता दे रहे हैं, अंदर में आप तो जाओगे दर्शन के लिए तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साइड साइड का मूर्ति है जो बना है खुला में, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए इधर माता लक्ष्मी और कृष्ण जी का मतलब विष्णु जी का मूर्ति का बना हुआ है। ये देखिए बाहर में भी बौद्ध जी का मूर्ति बना हुआ है। ये बच्ची देखिए किस तरीके से हाथी पर चढ़कर आनंद ले रही है। देखिए कैसे मस्ती करते हुए आनंद लेते हुए हाथी का। देखिए कितना सुंदर हाथी से चढ़कर उतर गया, उतर कर फिर इधर जा रहे हैं। हम लोग भी अब नीचे उतर रहे हैं दोस्तों गेट से। देखिए हमारा बाइक यहाँ पर है, बाइक को लेकर फिर हम लोग नाथल दाई जी का दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर तोता वाला देखिए तोता बेच रहा था, खिलौना वाला तोता है जो बचता है दबाने से, उसको खरीदे हम लोग। एक चश्मा वगैरह देख रहे थे। देखिए खिलौने वगैरह और प्रसाद है, बहुत सारा कुछ वस्तुएं हैं। तो इधर इधर पूरा दोनों तरफ भी बहुत सारा वस्तु आपको देखने के लिए मिल जाएगा, खिलौना वगैरह चूड़ी बैंगल सब कुछ मिलता है यहाँ पर। देखिए फिर हम लोग आ गए हैं अब नाथल दाई जी के दर्शन के लिए और उसके मंदिर पर चढ़ रहे हैं हम लोग। वहाँ पर आए और गाड़ी रखे, फिर वहाँ पर हम लोग भी गए थे घूमने। तो ऊपर देखिए नाथल दाई जी का मंदिर, अंदर में वही फिर बात हुई, कैमरा करना अलाउड नहीं है, होगा लेकिन ऐसे कागज़ पे लिखा रहता है तो हम लोग जानबूझकर वैसे नहीं किए। फिर कोई दूसरा बोलेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किए। बस ये नाथल दाई जी का मंदिर है, देखिए वहाँ से दर्शन करके हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरे अब देखिए हम लोग भी सामान वगैरह तक खरीदे और फिर पुलिया से निकल गए दोस्तों घर के लिए। देखिए चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर देखिए और नाथल दाई देखिए, उसके बाद पुल का बहुत बड़ा पुल का नज़ारा देखिए। पुल का नज़ारा से यहाँ देखते हुए हम लोग घर के लिए रवाना हो गए।
जब भी हम लोग रायगढ़ जाते हैं दोस्तों, तो ये मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। तो देखिए हम लोग घर जा रहे हैं दोस्तों, अब ये चंदरपुर है, चंदरपुर से घर जा रहे हैं। देखिए अब हम अपने गांव तरफ आ चुके हैं, लगभग बहुत दूर। देखिए हमारे गांव का जंगल मोड़ है, सुखापाली गांव पड़ता है, सुखापाली से हमारे गांव का मोड़ जंगल है, जहां पर मुढ़ी घाटी आपको मिलेगा। ये मुढ़ी घाटी भी हमारा फेमस है गांव का। देखिए यहां पर 3 साल में पूजा होता है, जहां पर बकरे काटे जाते हैं। देखिए छोटा सा रुकने का जगह भी बनाया है, बोरिंग वगैरह सब कुछ, पानी वानी सब है। अब यहाँ से हम लोग अपने गांव जा रहे हैं दोस्तों। देखिए हमारे गांव हम लोग पहुँचने वाले ही हैं जल्द। आपको ये देखिए छोटा छोटा घर दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों अपना गांव पहुँचने वाले हैं। ये पुल है, यहाँ पर बच्चे लोग मछली पकड़ रहे हैं। देखिए अभी अभी का मौसम है, पानी गिरा था, पानी भरा हुआ है, उसमें मछली पकड़ रहे हैं ये लोग गरी के इस सहारे से। तो देखिए अपना गांव आने वाला है दोस्तों, अपना गांव में हम लोग एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। देखिए हमारा सुंदर सा छोटा सा गांव है बूटी पाली, जो कि बड़े साजापाली थाना बसना जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों। ये छोटा सा गाँव है, यह हमारा महासमुंद जिला का बॉर्डर है, इधर फिर आपको बलौदा बाजार जिला पड़ जाता है दोस्तों। तो देखिए हम लोग अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं, अपने गांव का सुंदर से लोकेशन, बहुत छोटा सा गांव है। देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं यहां पर तालाब के पास। तो धन्यवाद दोस्तों जो यूट्यूब में देख रहे हो, प्लीज़ करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों।